अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से तो बर्खास्त किया ही है, साथ ही पार्टी में जो उनके पास पद थे उनसे भी उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ममता बनर्जी द्वारा ये एक्शन लिया गया है। दरअसल ईडी ने पार्थ की करीबी अर्पिता के दूसरे घर से करीब 28 करोड़ रुपयों का कैश और 5 किलो सोना बरामद किया। लेकिन हैरान करने वाली खबर यह है कि अर्पिता ने यह कहा कि ये रुपए तो पार्थ चैटर्जी के। हिंदी हो या बांग्ला, फिर तमिल और तेलुगु, फिल्मों में बार बार कहा जाता है कि अगर आप रईस नहीं हैं तो आपकी जिंदगी दाग की तरह है। अर्पिता चैटर्जी समझ गई थी रुपए की इस माया को, इसीलिए उसने अपने आप को रुपया कमाने की मशीन बना दिया था। छोटी छोटी फिल्मों में काम करने वाली, हजारों की पगार पाने वाली अर्पिता ने करोड़ों से ज्यादा की दौलत कूट डाली। अर्पिता ने पार्थ चैटर्जी के साथ मिलकर ऐसा जाल फैलाया कि बड़े बड़े अरबपति कारोबारी गश खाकर गिर जाएं। नोटों का ये पहाड़ शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से मिला है। लेकिन अर्पिता मुखर्जी बोल रही है कि करोड़ों रुपए को छोड़िए, एक रुपया तक मेरा नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने ईडी की पूछताछ में अपने घर से बरामद कैश से पल्ला झाड़ लिया है। पूछताछ में अर्पिता ने कहा है, ये सारे रुपए पार्थ चटर्जी के हैं। पार्थ इस घर का इस्तेमाल रुपए रखने के लिए करते थे। पार्थ के कर्मचारी उसके घर पर पैसा रख के जाते थे। कभी कभी पार्थ खुद भी आते थे। मुझे इस कमरे में जाने की मनाही थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि घर में इतना सारा कैश रखा होगा। ईडी का अधिकारियों का मानना है कि अर्पिता का बिहेवियर बिल्कुल स्टेडी है। वो कभी ब्लैक कॉफी मांग रही है, कभी ड्राई फ्रूट्स मांग रही है और बार बार वॉशरूम जा रही है, क्योंकि उनके अंदर एक तनाव है, एक टेंशन है। अब इस टेंशन की वजह क्या है, अर्पिता को लेकर भी छानबीन हो सकती है। अर्पिता के काफी सारे हाइड आउट के ढाबा डाल सकते हैं ईडी के आला अधिकारी। कुल मिला के ये मामला जितना दिन जा रहा है नए नए मोड़ ले रहे हैं। ईडी ने अर्पिता के दूसरे मकान पर बुधवार की शाम छापा मारा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंकिता के इस फ्लैट में अलग अलग जगह छिपाकर करोड़ों की दौलत रखी गई थी। मतलब पार्थ चैटर्जी के साथ साथ घूमने वाली अर्पिता पैसे छापने की मशीन है, पूरा का पूरा टकसाल। इस बिल्डिंग में ईडी का दस्ता जब पहुंचा तो उनकी आंखें दौलत के दस्तावेज देखकर बटन हो गई। अर्पिता ने पार्थ चैटर्जी के साथ मिलकर काली कमाई का कारखाना खोल दिया था। अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से अब तक 55 करोड़ से ज्यादा का कैश, सोना और विदेशी करेंसी बरामद हो चुकी है। अर्पिता के दूसरे घर में पड़ी रेड में 2000 और 500 के नोटों के बंडल मिले हैं। इसके अलावा एक एक किलो की 3 सोने की ईंटें, 500-500 ग्राम के 6 कंगन और एक सोने का पेन मिला है। कमरों के अलावा वॉशरूम, वार्डरोब और संदूक में भी नकदी छिपा कर रखी गई थी। कैश की गिनती बुधवार शाम करीब 6 बजे से शुरू हुई और गुरुवार सुबह 4 बजे तक चली। नोट गिनने के लिए 5 मशीनें लाई गई और सुबह बक्सों में नकदी भरकर ट्रक से भेजी गई। अर्पिता के दूसरे घर से कुल मिलाकर 27 करोड़ 9 लाख रुपए और 4 करोड़ 31 लाख रुपए का सोना बरामद हुआ है। पिछले हफ्ते हुई रेड में 21 करोड़ 9 लाख रुपए के करेंसी नोट और 56 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद हुई थी। अर्पिता के 4 ठिकानों पर छापेमारी में अब तक 55 करोड़ से ज्यादा की नकदी, सोना और डॉलर मिल चुके हैं। ईडी को आशंका है कि ये घोटाला 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। फिलहाल ईडी ने अर्पिता के बिलघारिया टाउन क्लब स्थित 2 फ्लैट्स में से एक को सील कर दिया है। टालीगंज की फ्लैट से 22.5 करोड़ बरामद होने के बाद कल अर्पिता की बिलघोड़िया फ्लैट से अभी तक काउंटिंग में 30 करोड़ रुपया बरामद हुआ। इतने पैसे कोलकाता में हाल फिल में कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। अब सवाल ये उठता है कि अर्पिता का और कितना ऐसा मकान है जहाँ पे रुपया छुपा हुआ है। कितनी पैसों के मालिक है अर्पिता, इतनी भारी भरकम रकम उनके पास आई कैसे? ये क्या टीचर नियोग घोटाले मामले के पैसे है, ये क्या टेट मामले के पैसे है, या अर्पिता किसी हवाला कांड से जड़ित है?
जानने की कोशिश में लगी हुई है ईडी के आला अधिकारी। करोड़ से नीचे की दौलत को तो मिट्टी की तरह समझते थे अर्पिता और पार्थ। दर्जनों संपत्तियों के तो कागज मिल चुके हैं, इतने पैसे मिल चुके हैं कि गणित का सारा हिसाब बदल दिया है। 500 और 2-2 हजार के इस नोट ने पार्थ चटर्जी का पद छीन लिया है। যে দলের সমস্ত পদ থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে উইথ ইমিডিয়েট এফেক্ট অপসারিত করা হচ্ছে। তিনি ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার ছিলেন, তিনি দলের মহাসচিব ছিলেন, জাগো বাংলার এডিটর ছিলেন, আমাদের যে দলের খবরের কাগজ পার্টি মাউথপিস, এবং তার সাথে ডিসিপ্লিনারি কমিটির তিনি একজন সদস্য ছিলেন। এই কমিটি দলের মহাসচিব এবং ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্টও ছিলেন, যেহেতু তিনি ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার ছিলেন। এই পাঁচটি পদ থেকেই তাকে অপসারিত করা হচ্ছে। बीजेपी सड़कों पर है, पार्थ चटर्जी को पार्टी से निकालने की मांग कर रही है और ममता से इस्तीफा मांग रही है। अभी तो पार्थ चटर्जी के घर से सिर्फ नोट मिले हैं, रोल नंबर का पेपर मिला है, एडमिट कार्ड का ब्यौरा मिला है। जब जांच होगी तो पता चलेगा किसका भतीजा और किसकी भांजी बंगाल के स्कूलों में बच्चों को A to Z का ज्ञान दे रही है। हिंदी में कहावत है ना, हम तो डूबे हैं, तुझे भी लेके डूबेंगे सब। और 2020 में कैंपेन और होर्डिंग्स में देखी गई अर्पिता मुखर्जी, और यहीं से शुरू होता है अर्पिता मुखर्जी का पार्थ चटर्जी के साथ पब्लिकली दिखना। आपको बता दें, कभी ये ममता बनर्जी जब पहुंची थी यहाँ पर इनॉग्रेशन के दौरान, तो अर्पिता मुखर्जी दिखी थी मंच साझा करते हुए पार्थ चटर्जी के साथ, और कभी दिखी संदूर खेला के समय पार्थ चटर्जी के साथ। तो कुल मिलाकर जो है लोगों का ये कहना है कि क्या पार्थ चटर्जी ने ही ये ब्रेक दिया था अर्पिता मुखर्जी को। आरोप है कि अर्पिता, पार्थ चटर्जी और फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों के बीच वो कड़ी थी जो रुपए को चुंबक की तरह खींच लेती थी। बंगाल में अर्पिता जहां भी रही, सबसे गहरी दोस्ती गुलाबी नोटों से रही। ईडी अर्पिता के घर के जिस दरवाजे को तोड़ रही है, काली कमाई का तिलिस्म भी टूट रहा है।